जो कैंडिडेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलेटेड स्कूल्स में टीचिंग की जॉब करना चाहते हैं, एज ए टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सी फैक्ट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना, क्वालिफाई करना जरूरी है। तो 2022 का दिसंबर का जो टेस्ट होना है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन का मतलब है कि आप तैयार रहिए कि बड़ी जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। जो नोटिफिकेशन में डिटेल दी गई है उसको मैं स्टेप वाइज आपको बता रहा हूं। पब्लिक नोटिस में, नोटिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट है कि सीबीएसई के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मीन ऑनलाइन मोड होगा। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मोड में अपीयर होंगे उनके लिए ये नया एक्सपीरियंस है। जब नया एक्सपीरियंस होता है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है टेस्ट की वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है। दैट इज वाई जो नए कैंडिडेट हैं उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में प्रायर जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके लिए डिफरेंट वीडियो होगा, तो ये बात क्लियर होगी। सेकेंड है कि कब होगा ये, दिसंबर 2022 को टेस्ट होगा। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताई गई ही, जब एडमिट कार्ड आएंगे उस पर आपकी एग्जैक्ट डेट होगी। एडमिट कार्ड पर क्यों होगी, क्योंकि हर शख्स की एरिया वाइज डिफरेंट डेट होगी, सबके लिए सेम डेट नहीं होगी। जो भी डेट आपकी एडमिट कार्ड पर है उसी दिन आपको उसी लोकेशन पर आपको टेस्ट देना होगा। थर्ड पॉइंट है टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेस। फोर्थ पॉइंट है द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ, जिसकी जानकारी चाहिए आपको नेचुरली है कि आपके फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे जब आपने ये टेस्ट देना है, कि एग्जामिनेशन के बारे में सिलेबस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी चेंज होने की भी बनी हुई है। कारण ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो एम्फेसाइज किया है कि जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है टीईटी का उसको इंप्रूव किया जाएगा। एक मैं ये रीडिंग आपको दिखा देता हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये पेज है, पॉइंट नंबर 5.4 है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथन्ड टू इनकल्केट बेटर टेस्ट मटेरियल। ये जो फोकस है ये एम्फेसाइज किया गया है। दो साल हो चुके हैं, पॉलिसी आ चुकी है, इंप्लीमेंटेशन ग्रेजुअली हो रही है, तो नेचुरली है कि जो टेस्ट मटेरियल है उसको इंप्रूव किया जाएगा। उसको इंप्रूव करने के लिए नेचुरली है कि सिलेबस में चेंजेस भी आ सकते हैं और क्वालिटी ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन भी चेंज हो सकते हैं। नेचुरली है कि डिफिकल्टी लेवल उनकी तरफ से बढ़ने के आसार होंगे, लेकिन क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एमसीक्यू जनरेट करने पड़ते हैं, प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, तो दैट इज वाई ये क्लियर नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा या कम होगा। ये एक्सपीरियंस बताएगा, पिछले पेपर जब देखते हैं तो मेरे ख्याल में ये डिफिकल्टी इतनी बढ़ेगी नहीं, बोथ टर्म्स इन कंटेंट एंड पेडागोजी। दूसरी लाइन जो है इंपॉर्टेंस बता रही है, द टीईटी विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर द टीचर अक्रॉस ऑल स्टेजेस। अब तो है ना, 8th क्लास तक या 5th क्लास तक आप एलिजिबल होना चाहते हो तो आपके लिए सीटेट है, जहां स्टेट लेवल का टेस्ट है, लेकिन अगर आप फाउंडेशनल, ये वर्ड जो है डिवीजन की हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल स्ट्रक्चर है, फाउंडेशनल प्रेपरेटरी मिडल जो 8th तक है प्लस 2 तक है, ये इंपॉर्टेंट है कि 10+2 तक जो टीचर बनना चाहते हैं, क्लास को टीच करना चाहते हैं, उनके लिए भी आने वाले समय में शायद जल्दी से जल्दी ये जो है टीईटी ये कंपलसरी हो जाएगा। हाँ, ये बात श्योर है कि सिलेबस इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, फंडामेंटल थ्योरीज कभी भी चेंज नहीं होगी। वर्ल्ड के किसी कोने में भी आपने एजुकेशन का टेस्ट देना है तो फंडामेंटल थ्योरीज, प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, इनको स्टडी करना ही, लार्ज नंबर ऑफ स्टडी है। जब इसकी तैयारी करेंगे तो इसकी बातें करेंगे, यहां पर नहीं। लैंग्वेज कौन सी होगी बाद में बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट प्रोबेबली चेंज होने के आसार नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। हाँ, एक प्रॉब्लम है, ये हो सकता है कि फर्स्ट पेपर के लिए बीएड वाले एलिजिबल है या नहीं है, एक कोर्ट का फैसला आना है, उसके बाद पता चलेगा कि फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल है या नहीं है। एग्जामिनेशन फीस नीचे दी गई है, अभी बताता हूं, ये क्लियर है यहां पर। नेक्स्ट है,
एग्जामिनेशन सिटीज, नेचुरली जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़ी सिटीज हैं, वहां पर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी, फिफ्थ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट. वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं शॉर्टली. अब शॉर्टली का क्या मतलब है कि ऑफिशियली डेट कब आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब लेने शुरू करने हैं. शॉर्टली का मतलब दो हफ्ते, एक हफ्ता, इतना मान के चल सकते हैं. अभी से आपको ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं. हाँ, आपको तो स्टडी करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. एक बार आप अच्छी से तैयारी करते हो तो बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप बार बार अपीयर होते हो, कम मेहनत करते हो, कम मोटिवेशन से पढ़ते हो, तो आप 10 साल देते रहो. इसलिए है कि एक बार वो गीता सार पढ़ के ना एनर्जी को पुट कर दो, कर्म कर दो, और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा. सिक्स पॉइंट है, द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फ्रॉम द अबव मेंशन्ड वेबसाइट ओनली एंड रीड द सेम केयरफुली बिफोर अप्लाइंग. आपको वेबसाइट बता दो, इस वेबसाइट पर आपने जाना है और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इंडिया यहां पर क्लिक कर देना है, तो ये वेब पेज खुल जाएगा. ये सबसे पहले है पब्लिक नोटिस डेटेड ऑन दिस, जो नोटिफिकेशन अभी मैंने बता रहा हूं. और इसके अलावा आप यहां जाओगे इंफॉर्मेशन पर. इंफॉर्मेशन में ये तीन ऑप्शन आएंगी, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन शेड्यूल. अभी सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखना है. तो इन्होंने शॉर्टली कहा था, आज तक देख लेते हैं कि ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है या पुराना ही है. ये 2021 का है, तो अभी तक इन्होंने जो बुलेटिन है अपलोड नहीं किया. जब भी अपलोड होता है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. वापिस चलते हैं. द डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी इंटीमेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम. द एप्लीकेशन फीस ऑफ एप्लीकेबल सीट एट दिसंबर 2022 इज एज अंडर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस रहेगी. अगर आपने पेपर वन और टू आइदर है जा एक फिफ्थ तक एलिजिबिलिटी के लिए और टू एट्थ तक एलिजिबिलिटी के लिए आपने फिल करना है, एक फिल करना है, तो आपकी जनरल और ओबीसी की होगी 1000 फीस. अगर आपने दोनों फिल करनी है, ये दोनों की फीस है, 200 रुपए बढ़ जाएंगे, 1200 रुपए हो गए. और एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए जो हाफ हो जाएगी. एक पेपर फिल करना है आपने तो 500, अगर आपने दो पेपर फिल करने हैं उसका हाफ हो जाएगा, 600 फीस है. इसके अलावा आपको सीटेट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, अपनी तैयारी कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, टाइम मनी और एनर्जी कैसे बचानी है, और सक्सेस ज्यादा हासिल कैसे करनी है, कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपको कंटेंट टीच करने की. डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाऊंगा हर टॉपिक पर, उनको डिटेल में पढ़ने के बाद आपको जो टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, एक्सरसाइज है, डाउट क्लियरिंग है, ये सभी कुछ होगा. तो आप बने रहिए डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज. थैंक यू.